अपन बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास ले रहे थे जिसमें फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। फिनॉल की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी। आज नेक्स्ट फिनॉल की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती है। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में जो होगी वो किस पोजीशन पर होती है, ऑर्थो पर होती है, पैरा पे होती है, मेटा पे होती है, तो उसको देखते हैं अपन। फिनॉल, ये इस प्रकार से फिनॉल की संरचना है, OH। इस फिनॉल में बेंजीन रिंग पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोक्सी समूह जिस पर क्या है, दो लोन पेयर है। अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड पर आ जाएंगे, और इस बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन पर आ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में ये इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी। ये इस ऑक्सीजन में और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तब उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं, इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां आ जाएंगे, इस बॉन्ड पर आ जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस कहां आ जाएंगे, इस पैरा वाले कार्बन पर आ जाएंगे। और इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी, डबल बॉन्ड OH। अब की बार जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो से कहां ट्रांसफर हो रहा है, इस पैरा पोजीशन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये इस प्रकार से, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, और उसके बाद वापस ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर आ जाएंगे। इस प्रकार से अब की बार जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव तो कहां पर है, ऑक्सीजन पर ही है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां आ जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। ये इस प्रकार से, और अंत में ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पर, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तब ये इस प्रकार से वापस वही स्टार्ट वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी। ये ऑक्सीजन पर कितने लॉन्ग पेयर हो गए, दो लॉन्ग पेयर हो गए, और ये जो बॉन्ड है ये वापस बन जाएगी। ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसकी, फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें देखो, ये बीच वाली जो तीन कंडीशन है, तीन स्थितियां हैं, इन तीन स्थितियों के अंदर पहली में ऑर्थो पोजीशन पर, इसमें पैरा पोजीशन पर, और इसमें वापस ऑर्थो पोजीशन पर। मतलब कि ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है, इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे किसको, देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, मतलब कि ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मतलब उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका मतलब ये कहां पर अटैक करेंगे, वहां पर अटैक करेंगे जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस
संघनादी संरचना में कहां पर अधिक है, इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अधिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है जब फिनोल की क्या करवाएंगे अपन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो फिनोल है, फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है वो OH समूह कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो किससे प्रदर्शित हो रहा है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से प्रदर्शित हो रहा है। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग पर आ जाते हैं, मतलब बेंजीन रिंग पर उपस्थित जो कार्बन है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उससे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि OH जो समूह है वो OH समूह क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी जो है उस रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब कि OH समूह जो है वो कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, कैसा होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। मींस अपन कह सकते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। जो फिनॉल की अभिक्रिया है इसके प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, वो किससे अधिक होती है, बेंजीन से अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। और साथ में अनुनादी संरचनाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो समूह है वो कहां पर जुड़ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बहुत सारी अभिक्रिया है जिनके अपन एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो एग्जाम्पल अपन लेंगे उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है, किस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।